नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में एक मार्च से शुरू होंगी 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाएं, परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। झारखंड सरकार ने एक मार्च से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूलों में सशस्त्र कक्षा 8, 9 और 12वीं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अभिभावकों की सहमति से ही छात्र स्कूल बुलाए जा सकेंगे। परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। बोर्ड परीक्षा के अलावा स्कूलों को ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थाओं, सभी कोचिंग सेंटर, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी 1 मार्च से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मंगलवार को राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को राज्य के डीजीपी और विभिन्न विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठक की। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर विधायक दल के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। अधिकारियों से बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारियों को परफॉर्मेंस तैयार रखने के लिए कहा गया है, ताकि सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में देरी न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोविड के दिशा निर्देशों को भी पालन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का दिशा निर्देश दिया गया है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 3 मार्च 2001 को हेमंत सरकार बजट पेश करेगी। कंपनी में हर साल 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, झारखंड सरकार के साथ हुआ है समझौता। श्रम विभाग ने मंगलवार को देश विदेश में धागा, कपड़ा और परिधान बनाने वाली कंपनियों में प्रमुख कोयम्बटूर स्थित केपीआर मिल्स के साथ समझौता हुआ। इसके तहत राज्य के करीब 10,000 महिलाओं को हर वर्ष रोजगार मिल पाएगा। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, श्रम सचिव प्रवीण टापो, श्रम आयुक्त ए मुथु कुमार, श्रम नियोजन निदेशक सहनेहा अरोरा तथा केपीआर मिल्स के अध्यक्ष केपी रामास्वामी भी मौजूद थे। महिलाओं को रहने खाने पीने के साथ प्रतिमाह 12,000 रुपये मिलेंगे। वहीं कुछ महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। रोजगार के लिए उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनका नाम नियोजनालय में निबंधित है, या फिर उनको शामिल किया जाएगा जिन्होंने राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न केंद्रों से गवर्नमेंट से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। खबर है झारखंड के रांची से। बच्चों के साथ स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी। रांची सदर अस्पताल से कार्यमुक्त किए गए सुरक्षाकर्मियों ने कहा, नौकरी नहीं मिली तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। रांची के सदर अस्पताल से 1 वर्ष पहले हटाए गए सुरक्षाकर्मी बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। इनके साथ इनके परिवार के सभी सदस्य थे। ये मंत्री से गुहार लगा रहे थे कि सभी पिछले 7 वर्षों से सदर अस्पताल में नौकरी करते आ रहे थे। इन्हें नौकरी से इनके घर का चूल्हा जल रहा था, अचानक नौकरी से निकाल देने के बाद ये पूरी तरह सड़क पर आ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई तो दूर, उनके खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अगर नौकरी नहीं मिली तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। मंत्री ने सभी से मुलाकात की और इनकी समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 7 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। रांची का उच्चतम तापमान 2 दिन में 4 डिग्री और बढ़ने के आसार हैं। रांची के मौसम में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। पिछले 7 दिन में रांची के उच्चतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पिछले शुक्रवार को रांची का उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो का 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राज्य के अधिकतम जिलों में उच्चतम न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। झारखंड राज्य में आगजनी और अपराध रोकने के लिए पुलिस ने शुरू की कवायद। झारखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ती नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए और पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए झारखंड पुलिस की तरफ से 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य में अक्सर होती रहती आगजनी की वारदातों को रोकने के लिए इलाके के विभिन्न थाना अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। थानेदारों की जिम्मेदारियों को लेकर शाखा की तरफ से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने पुलिस सिस्टम सुधारने के लिए बॉडीगार्ड तैनात करने और पुलिस लाइन की व्यवस्था को सुधारने के लिए अहम फैसले लिए हैं।
झारखंड में टेट उत्तीर्ण परा शिक्षकों ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने तथा स्थायीकरण की मांग की। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबंध झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 55,000 पारा शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। सीएम से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए तैयार वर्तमान नियमावली से वे वेतनमान से वंचित हो जाएंगे। टेट पारा शिक्षकों का कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमावली का प्रारूप तैयार है। प्रारूप उनके पास आने के बाद वे उनकी मांगों पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जो भी संभव होगा वह पूरा किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी पारा शिक्षक को सेवा से हटने नहीं दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में विक्रांत ज्योति, सुशील पांडे, सिद्धि शेख, विकास चौधरी, अभिलाषा झा आदि शामिल थे। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। भालू के हमले से 8 बच्चे जख्मी हो गए। लोहरदगा में शादी समारोह से लौट रहे थे बच्चे, भालू के हमले से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। किसको ब्लॉक क्षेत्र के पाखर में एक जंगली भालू ने मंगलवार की शाम बच्चों पर हमला कर दिया। इस घटना में खरकी पंचायत अंतर्गत ऊपर कोचा गांव के 8 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चे एक शादी से लौट रहे थे और इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। लोगों ने बच्चों को किसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक इलाज कर उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। भालू के हमले से प्रीतम नगेसिया का हाथ टूट गया है और रंगा नगेसिया का जबड़ा फट गया है, जबकि अन्य 6 बच्चे भालू के हमले से बचने के लिए भागने लगे। इस दौरान वो गिरकर घायल हो गए। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। झारखंड में 600 से ज्यादा बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने में मदद करेगी सोरेन सरकार। झारखंड में 600 से ज्यादा बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सूची बना रही है। उनके रिवाइवल के लिए हर संभव सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्टेक होल्डर्स की समस्या पर झारखंड चैम्बर के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया। स्टेक होल्डर्स की समस्या पर चर्चा के लिए बीते मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक मुख्यमंत्री के साथ प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। सीएम के साथ चैम्बर की संपन्न बैठक काफी सकारात्मक रही और उन्होंने एक बिंदु पर क्रमवार चैम्बर अध्यक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की। खबर है झारखंड के गोड्डा से। रोजगार मांगने पर पूर्व जिला अध्यक्ष को पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भाजपा ने गोड्डा जिला के पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल सहित 6 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रदेश महामंत्री के आदेश पर की गई। बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित आवासीय कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष के अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रबोध सोरेन, जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी और कृष्ण कन्हैया शामिल थे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। किसानों को मिलेगा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का लाभ। जिले के 1.25 लाख किसानों को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अपर निदेशक डॉक्टर एस कर्मकार ने इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र को जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। मार्च तक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए जिला कृषि विज्ञान केंद्रों में यंत्रों को लगाया जाएगा। इससे पहले जिले को मौसम परामर्श संताल परगना क्षेत्रीय केंद्र से मिलता था, जो जिला आधारित होता था। प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को मिलेगा परामर्श। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि विज्ञान केंद्र से संचालित करने के लिए वेधशाला की स्थापना होगी। इससे सभी प्रखंड के लिए वर्षपात, हवा की गति, हवा की दिशा, मिट्टी का तापमान, अधिकतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम व अधिकतम तापमान का प्रतिदिन का रिकॉर्ड दर्ज कर सीधे IMD यानी भारतीय मौसम विभाग को भेजा जाएगा। खबर है झारखंड के दुमका से। कृषि ऋण से संबंधित सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं बैंक, DC ने कहा। दुमका में बुधवार को कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित बैठक में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अगुवाई में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए बैंक प्रतिनिधियों को अपने बैंक के कृषि ऋण संबंधित सूची समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि पिछले कई वर्षों में मानसून की अनियमितता, स्थिति सुखाड़, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की आय में कमी, फसल ऋण चुकाने में असमर्थता एवं नए फसल ऋण के लिए अयोग्य होने के कारण सरकार के स्तर से कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई है। 1 रुपये के आवेदन शुल्क पर किसानों को 50,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफ हो जाएगा।
आप सबको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति फसल ऋण धारक पात्र होंगे। आवेदक केसीसी ऋण धारक होना चाहिए। किसी भी ऋणी की मृत्यु हो गई हो तो उसके आश्रित को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज जरूरी है। खबर है झारखंड के खूंटी से। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं महिलाएं, आराधना पटनायक ने कही। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक बुधवार को खूंटी पहुंची। इस दौरान उन्होंने सखी मंडल की महिलाओं से विकास कार्यों पर चर्चा की एवं जिले में आजीविका सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा भी लिया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग की सचिव ने कलामाटी स्थित इमली प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। खबर है झारखंड के कोडरमा से। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं कैंडिडेट। एनसीसी 15 बटालियन कोडरमा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर झुमरी तलिया के राम लखन सिंह यादव कॉलेज परिसर में बुधवार को संपन्न हुआ। इसमें जिले के 360 कैंडिडेट्स लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, फायरिंग, ड्रिल, क्वार्टर गार्ड, हथियारों के ज्ञान के साथ इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर में युवा अर्जुन की तरह राइफल से लक्ष्य को भेदने में लगे रहे। लक्ष्य भेदने में सफल कैंडिडेट्स काफी उत्साहित दिख रहे थे। खबर है झारखंड के पलामू से। झारखंड के पलामू में पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। राइफल व देसी कट्ठा बरामद। पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना के चोरहट में जेजेएमपी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना मिली है। घटना 24 फरवरी शाम 4 बजे की है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। यह इलाका अति नक्सल प्रभावित व लातेहार जिले के बरवाड़ी थाना का सीमावर्ती है। राज्यपाल के समझाने पर भी नहीं माना आदिवासी शिष्टमंडल। अपने जिलों में अपने कानून की जिद। पत्थलगड़ी समर्थकों की दलील है कि अनुसूचित क्षेत्रों में न किसी अदालत का फैसला चलेगा न राज्य सरकार का कार्यकारी आदेश। यहां सामान्य लोगों के लिए भी कोई अधिकार नहीं है, यानी उन इलाकों में सामान्य आदमी को भ्रमण के लिए भी अनुमति लेनी होगी। पत्थलगड़ी समर्थक जो शिलालेख लेकर घूम रहे हैं उसमें भारत सरकार के 2007 के बजट और संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची का हवाला है। आंदोलनकारी मानते हैं कि इन जिलों में हमारा कानून चलेगा। पहाड़ा, मानकी, परगनेत और ग्राम सभा जैसे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था से वह खुद को अलग मान रहे हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।